उसको जो चिकन को डाला गया था फाइनली फ्राई हो चुका है, उसको निकाला जाए। देख लीजिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, और ये खाइए तो पूरा क्रिस्पी सा लगेगा, बहुत ही मस्त लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं गोपालगंज में, और आप लोग पटना का वीडियो को तो प्यार देते ही हैं, लेकिन ये वीडियो बनने वाला है गोपालगंज के आदमी के लिए। अगर गोपालगंज के जो भी लोकल आदमी है, बिरयानी के शौकीन है, बिरयानी खाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आइए बॉम्बे बिरयानी हाउस। जो देख लीजिए दुकान यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ खत्म होता है। बात किया जाए कस्टमर का, क्राउड का, तो यहाँ पे देख लीजिए चारों तरफ कस्टमर ही कस्टमर है, बैठ के बिरयानी जोरों शोरों से खा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को चिकन बिरयानी मिल जाएगा, मटन बिरयानी मिल जाएगा, चिकन चावल मिल जाएगा। चिकन का समझिए तो पूरा हब है, चिकन फ्राई भी मिल जाएगा। आप लोग आइए खाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों बॉम्बे बिरयानी हाउस, एड्रेस की बात किया जाए अम्बेडकर चौक सिनेमा रोड गोपालगंज। यहाँ पे मटन बिरयानी चिकन फ्राई चिकन चावल मटन चावल इत्यादि बहुत कुछ मिलने वाला है। और ऊपर में लिखे है हैदराबाद की मशहूर, यहाँ पे बॉम्बे बिरयानी होने वाला है। यहाँ पे सभी कोई जोरों शोरों से दे रहे हैं। चलिए अंदर चल के अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। गोपालगंज पड़ेगा सरस्वती टैगी। जैसे होली क्या खत्म हुआ, आज बिरयानी खाने आ गए। होली खत्म हुआ है, बिरयानी कुछ अलग स्वाद है, बिरयानी में मजा कुछ और ही है, इसलिए बिरयानी खाने आ गए। फर्स्ट टाइम है कि पहले खा चुके? बहुत बार आके चुका मैंने, हमको बात बुझा रहा है कि लगभग 100 हाली आके खा चुके हैं। ले जाते बेस्ट खिलाते हैं, ले जाते भी हैं। रेट जेन्युइन है कि नहीं? रेट बढ़िया है, मार्केट से बढ़िया है, रेस्टोरेंट से बढ़िया है। जितना रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं खिलाता है उतना वहाँ इतना मिल जाएगा। धन्यवाद। तो यहाँ कस्टमर लोग का क्राउड आप लोग देख के समझ ही सकते हैं, सभी गाड़ी वाले यहाँ गाड़ी रोक के और आते हैं चिकन बिरयानी को खाते हैं। और अंदर में भी क्राउड का पूरा हब है, हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। अंदर में भी देख लीजिए सभी कस्टमर लोग खा रहे हैं। यहाँ पे भी भैया लिए हुए हैं चिकन बिरयानी, कैसा टेस्ट है? बहुत मस्त एकदम, मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम बहुत। और इधर भैया मोबाइल देख के खा रहे हैं, पूरा रील उल चला रहे हैं, रील देख देख के बिरयानी खा रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम है कि पहले आ चुके? पहले आ चुके। और इधर भैया लोग वेट कर रहे हैं बिरयानी का, इधर भी भैया बैग उठांग के कहीं से आ रहे हैं, चौनिया मुस्की मार के बिरयानी खा रहे हैं, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा पीस पूरा चुरवा के रखे हैं, पिसवा का है चुरवा है? अच्छा चुरवा है नहीं, नहीं चुरवा है। टेस्ट कैसा लग रहा है? क्या सजेशन देना चाहिएगा व्यूअर लोग? बोलेंगे कि बिरयानी खाना तो गोपालगंज जरूर आइए। नहीं यहाँ से लेके आप लोग वहाँ तक देख लीजिए, जितना भी मतलब अंडा है, जिनका जितना भी डेक्ची है, सब मतलब जिनको जो काम मिला है अपने अपने काम में भेजिए, और सब जोरों शोरों से अपना अपना काम कर रहे हैं। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों पहला सेक्शन तो वहाँ हो गया, वहाँ पे भी आदमी को बैठ के खाने का कैपेसिटी है, सही है। उसके आगे भी एक सेक्शन है, और एक सेक्शन ये हो गया, तीसरा सेक्शन ये हो गया। यहाँ पे भी कुछ मतलब आदमी बैठ के खा रहे हैं प्रॉपर तरीका से, यानी यहाँ कितना भी भीड़ लग जाए यहाँ पे बैठ के खाने में दिक्कत नहीं होगा। बात किया जाए रेट का, तो रेट भी पूरा जेन्युइन है। बॉम्बे बिरयानी हाउस का रेट लिस्ट का बात किया जाए, अगर आप लोग चिकन बिरयानी लेते हैं हाफ लेते हैं तो 60 रुपये पड़ने वाला है, फुल लेते हैं 100 रुपये पड़ने वाला है। चिकन चावल लेते हैं हाफ लेते हैं तो 60 रुपये पड़ने वाला है, फुल लेते हैं तो 100 रुपये पड़ने वाला है। मटन बिरयानी अगर हाफ लेते हैं 80 रुपये पड़ने वाला है, फुल लेते हैं 150 रुपये पड़ने वाला है। मटन चावल अगर हाफ लेते हैं आप लोग तो 80 रुपये पड़ने वाला है, फुल लेते हैं तो 150 रुपये पड़ने वाला है। मटन प्रति पीस 65 रुपये पड़ने वाला है, चिकन प्रति पीस 30 रुपये है चिकन प्रति पीस, और चिकन बिरयानी प्रति किलो लेते हैं तो 200 रुपये किलो पड़ने वाला है। 10/6/2022 से ये रेट को लागू किया गया। एक सेक्शन और बना दिया गया है, देख लीजिए पूरा बढ़िया सा टेबल का इंतजाम करकर। यहाँ पे समझिए अगर आप लोग ग्रुप दोस्त दोस्त आते हैं तो एक चेयर पे तीन मतलब चार अपना मिलजुल के खा सकते हैं, और बहुत ही सही से मतलब यहाँ पे स्पेस है, आप लोग आइएगा, खड़ा उड़ा होके खाने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर तरीका से स्पेस मिल जाएगा, शांति से बैठ के खाइए। और यहाँ पे भी भैया लोग खा रहे हैं, टेस्ट सही है कि नहीं? और इधर भी भैया चिकन शायद फ्राई लिए हैं, बिरयानी लिए हैं, मजा आ रहा है? फर्स्ट टाइम है कि पहले आ चुके? कई बार आए, मजा आ रहा है, अक्सर आया करते हैं हम, अक्सर आया करते, यानी होली के अभी तक आ गए। तो यहाँ पे भी अंकल जी क्या क्या आप काम करते हैं? हम काम करते हैं, खाना देते हैं,
बनाते हैं, बनाते भी आप ही हैं? बोलिए। पूरा मसाला जो है पूरा कंट्रोल अंजाद हो गया है, कितना डालेंगे तो कितना में स्वाद आ जाएगा पूरा बराबर, जो कितने 20 किलो तो होती हिसाब निकलते हैं मसाला प्रॉपर तरीका से सीख चुके हैं। ये चिकन फ्राई होगा? चिकन फ्राई प्रति 30 रुपया पीस। 30 रुपया पर पीस। और ये क्या हो गया? वही चीज, वही है, सेम है। और ये सलाद? हाँ सलाद है। बात किया जाए, ये बिरयानी हो? हाँ बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी। हाँ और मटन बिरयानी? मटन बिरयानी भी है, अभी खत्म। अच्छा अभी खत्म है, बंद है। हाँ तो यहाँ पे गर्मा गर्म चिकन को निकाला जा रहा है ग्रेवी के अंदर से, और बात किया जाए यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है चिकन, और यहीं से निकाल के पूरा सर्व किया जाता है। नहीं जी जी, ये चिकन निकल रहा है और फिर लग रहा है चिकन बने, अभी बनने के लिए फिर तैयार हो रहा है। अच्छा, तैयार हो रहा है, ये माल निकल चुका पूरा? निकल चुका है, खत्म हो चुका है, नया बनाने के लिए फिर दूसरा तैयार कर रहे हैं। खाली किया जा रहा है बनाने के। कुछ इतना बड़ा मतलब पूरा बड़ा सा डेक्चा में चिकन को बनाया जाता है, 15 केजी एक बार बन जाता है, 15 केजी एक बार, दिन भर में 2 बार बन जाता है, दिन भर में 5 बार, दिन भर में 5 बार बन जाता है। अच्छा ये क्वांटिटी कर रहा है, इसको खाली अब कर रहा है, नया दूसरा फिर 12 किलो फिर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। कुछ इस तरह बल्क में माल निकलता है जी? बढ़िया से बढ़िया, दिन भर बनता ही रहता है, दिन भर बनता ही रहता है। 2 बार बन चुका है, तीसरा बार फिर बनने जा रहा है, फिर शाम तक 2-3 बार और बनेगा, रात 10 बजे तक। जी बात किया जाए, चावल भी यहाँ चढ़ा दिया गया है, क्योंकि चावल वहाँ पे खत्म होने वाला है, जैसे वहाँ देख लिया जाता है खत्म होने वाला है, यहाँ बनाने के लिए रेडी हम लोग कर देते हैं, पानी चढ़ा हुआ है, इसके बाद चावल ही बनेगा। और यहाँ पे ये क्या फ्राई हो रहा है? ये फ्राई करके ही बनता है, गोश्त टूटे ना, सादा फ्राई, जिससे चिकन थोड़ा टाइट टाइट हो, गले नहीं टूटे नहीं, मतलब खाने में भी बेस्ट है। टेस्ट भी आएगा, टूटेगा भी नहीं, टेस्ट भी आएगा। तो कुछ इस तरह देख लीजिए बनने का प्रोसेस होता है दोस्तों चिकन का, और नीचे मैग्नेट करके जो रखा गया है ये फ्राई कर, ये सादा फ्राई मैग्नेट करके किया जाता है, टूटे नहीं, जो 30 रुपया पीस नहीं नहीं, ये सादा वाला ग्रेवी वाला पीस है, ग्रेवी में इसको ग्रेवी में तैयार करेंगे, लेकिन ये सादा किया जा रहा है कि मतलब टूटे ना, तब इसको ग्रेवी में बनाएंगे हम। बात किया जाए 30 रुपया जो चिकन फ्राई लिखे है वो कहाँ? 30 रुपया फ्राई है वहीं पर है, इधर भी स्पेस हो गया दोस्तों, सभी कोई प्रॉपर तरीका से बैठ के खा रहे हैं, और यहीं पे जोड़ो सरो से एकदम सामने बनाया जाता है और सामने सर्व किया जाता है, एकदम गरम गरम आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, और जिनको जो काम मिला है अपने अपने काम में बिजी हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। ये लेकर हमारा यहाँ का 3रा वीडियो होने जा रहा है, और आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। एक लोट फिर फ्राई होने के लिए जा रहा है दोस्तों, एक लोट फ्राई हो चुका था, कुछ इस तरह चिकन को चलाया जाता है दोस्तों, और जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा वैसे निकाल दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों बॉम्बे बिरयानी हाउस के ऑनर अभी हमारे साथ खड़े हैं, सबसे पहले हेलो सर जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? आसिफ इकबाल। आप लोगों को 5 मिनट का समय नहीं रहता, कैसे कैसे आप टाइम निकाल के भी खड़ा है? अभी तो टाइम निकाल नहीं, हर 1 मिनट समझ लिया आप लोगों के लिए कीमती है, क्योंकि सारा जगह ध्यान देना होता है, क्योंकि एक आइटम नहीं है, आइटम बहुत सारा है, चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, चिकन चावल है, चिकन फ्राई है, और भी मटन चावल है, इतना सारा चीज है, तो सब जगह ध्यान देना होता है, कौन चीज किधर घटा कौन चीज किधर नहीं घटा, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता। नहीं, बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए किसी कस्टमर को दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो, चारों दुकान में किसी आदमी को मतलब कोई चीज में दिक्कत ना हो, एकदम, क्योंकि एक जगह बैठा के खिलाने का तो व्यवस्था पहले था, लेकिन अभी तो देखा जा रहा है तो 5-5 जगह बैठा के खिलाने का व्यवस्था जी, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, 5-6 जगह ध्यान देना पड़ता है, एकदम ध्यान पर ध्यान देना पड़ता है, चावल चाहिए उधर भी ध्यान देना पड़ता है, किनको क्या चाहिए, मतलब चारों तरफ एक्टिव रहना पड़ता है जी, सर्विस अच्छा देंगे तभी ना अच्छा रहेगा, कोई भी एक बार सामान अगर आवाज दिए तो उसको एकदम दे ही देना है। अभी सुबह में कितना बजे खोल दिया? सुबह 10 बजे और रात्रि को कितना बजे? रात्रि 10 बजे तक, रात्रि को 10 बजे, यानी जोड़ो सोलह से बनने का काम चलते रहता है, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बनने का काम होता है, 10 बजे रेडी हो जाता है खाना, तो 10 बजे रात तक रेडी रहता है। अच्छा 10 से 10, लेकिन फिर भी मान के चलिए बिरयानी जैसे अभी निकल गया तो इधर फिर चढ़ गया, ये तो काम चलते रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा जब रात को 10 जी, जब तक 10-9 बजे तब तक सिलसिला जारी रहेगा, कस्टमर को पूरा गरम गरम बना के खिलाना है, गरम गरम, तुरंत निकले नहीं, तुरंत निकले तुरंत बनाइए तुरंत खिलाइए। बात किया जाए अगर कस्टमर ग्रेवी अच्छा मांगे उसका कोई चार्ज नहीं? नहीं उसका कोई चार्ज नहीं है, यानी ग्रेवी जितना खाना है उतना खाइए,
सलाद लेना है सलाद लीजिए, उसका भी चार्ज नहीं, उसका भी कोई चार्ज नहीं। और यहाँ हम कस्टमर लोग से फीडबैक लिए, सब कोई तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बहुत पुराने समय से आते हैं खाते हैं, और ये भी तारीफ कर रहे हैं कि बार बार आते हैं खाने, क्योंकि आप लोग देते हैं होटल। जी हमारा कोशिश है कि शुरू से अभी तक बढ़िया से जितना बढ़िया से हो सके सर्विस दे सके, इसलिए अच्छा से अच्छा बनाते हैं, अच्छा से अच्छा खिलाते हैं। बात किया जाए अगर कोई प्लेट बुकिंग करना चाहे तो कहते हैं बुकिंग हो जाता है, 200 प्लेट तक बुकिंग हो जाता है, 200 प्लेट तक अगर कोई आके कहेंगे एक दिन पहले, जी एक दिन पहले, तो आप वो चीज़ को रेडी करा उस टाइम में जिस टाइम में वो मांगेंगे उस टाइम में हम रेडी करके पार्सल करके दे देंगे। अच्छा, या फिर तसला वो देंगे तो उसी तसला में बनाकर तसला को ही हम दे देंगे, तसला आप ले जाइए, सारा चीज रेडी कर दीजिएगा, खाली उनसे पैसा ले लीजिएगा, मटेरियल आपका 50 प्लेट हो, 100 प्लेट हो, 200 प्लेट हो, 200 प्लेट तो आप लोग आइए दोस्तों, और सर का व्यवहार भी काफी अच्छा है और आपसे भी मिलकर काफी अच्छा लगा, ऐसे ही सर्विस देते रहिए जी सर, और आगे एकदम देते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पूरा क्लीन करके पूरा चिकन को निकाला गया, एकदम पूरा साफ सफाई से क्लीन किया जाता है। बात किया जाए एकदम आप तो चिकन देख सकते हैं पूरा क्लीन करके अंदर ये निकाल दिया है। यहाँ पे पानी को गर्म किया गया था दोस्तों चावल बनने के लिए, अब इसके अंदर डलाएगा चावल, चावल में जो पानी डाला गया था वो पानी को निकाला जा रहा है। चावल कौन सा यूज करते हैं सर जी? ये हाफ बॉयल चावल होता है, हाफ बॉयल। कौन कंपनी का चावल होता है? अभी तो बादशाह प्रीमियम का आ रहा है, उसके पहले DS रेगुलर का आता था, दिलसाद रेगुलर, 10X रेगुलर, बहुत सारा, जैसे जैसे ये एक बार चावल हमेशा नहीं मिलता है, चावल चेंज होते हैं, जैसे 100 बोरा मिला उसके बाद 2 महीने बाद फिर चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा मिला, फिर 2 महीने के बाद अभी चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा मिला, आता ही जाता ही रहता है, ये नहीं कि मतलब एक ही चावल हमेशा यूज होगा, वैसा नहीं होता। ये चावल का साइज भी बड़ा बड़ा होता है जी, बनने के बाद बहुत बहुत बड़ा होता है। ये गया दोस्तों चावल, ये अंकल जी भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना उम्र होने के बावजूद भी पूरा एक्टिव है। और यहाँ हमारा चिकन बनने का काम जोरों शोरों से जो चल रहा था, तो चिकन बन रहा, लगभग कितना देर में हो जाएगा? ये 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट में हो जाएगा। यार लटपट सा ग्रेवी है दोस्तों, देख लीजिए 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट पहले से डाला हुआ है बनने के लिए, और 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट के अंदर में तैयार हो जाएगा, 20 मिनट में तैयार, तैयार करके इसको रेडी कर देंगे बिरयानी बनाने के लिए। इसी के ऊपर से बिरयानी देंगे नहीं? हाँ, इसी को उसको बिरयानी में मिक्स करेंगे, फिर चावल बन रहा है मिक्स किया जाएगा। और ये हो गया मटन, चाप है, और क्या क्या है इसमें? जांग का पीस है, नली वाला हो गया, चाप हो गया जी, अच्छा सीने का पीस हो गया, खसी वाला सीने का पीस हो गया, गोल पीस हो गया, हर तरह का पीस, हर तरह का मिक्स रहता है, कोई सीने का पीस मांगता है, कोई गोल पीस मांगता है, इस तरह का जो मांगता है, कितना वाला पीस मांगता है कस्टमर के डिमांड जी, कोई पैर वाला पीस मांगता है तो इसमें सब है, कोई क्रेजी मांगता है वो भी है, कलेजी भी है, कलेजी का ज्यादा डिमांड होता है? नहीं, कलेजी का थोड़ा कम ही डिमांड है, एक दो पीस आता है कलेजी, जिनको चाहिए उनको दे दिया जाए, जो मांगे, बहुत आदमी जोर शोर से खाते हैं जी, बहुत मान देंगे, बहुत बहुत ज्यादा कलेजी खाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों गर्मा गर्म चावल को निकाला जा रहा है, और आप लोग चावल का साइज भी देख सकते हैं, काफी हेवी साइज हो चुका है चावल का। यहाँ का बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और अंकल जी का उम्र भी देख लीजिए आप, इतना एज होने के बावजूद भी इतना जोरों शोरों से काम करते हैं और थकते भी नहीं। मात्र 30 रुपया में साइज का पीस का साइज देख लीजिए दोस्तों, ये साइज का आप लोग को आने वाला है। बात किया जाए क्या क्या मसाला डाले इसमें? बहुत सा है, जीरा है, मर्चा है, चंपाई रंग है, कॉर्नफ्लावर है, अजीमोमोटो है, बेसन है, चाट मसाला है, नींबू है, तब जाके इतना स्वाद आता है, तब जाके इतना स्वाद आता है। अब ये थोड़ा सा मसाला को मतलब मैग्नेट कर दिए है, अब इसके बाद फ्राई कर, बस इसको फ्राई कर देना है, फ्राई करके खाने के लिए दे देना है। दोस्तों अब डाल दिया गया चावल, अब इसके ऊपर से डालिएगा आप पीस। हाँ, इसके ऊपर सजाएंगे, आप देखते जाइए। यहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों बिरयानी को रेडी, ये ऊपर से जा रहा है, ये क्या गया? ये रिफाइन है, उसको मतलब एक में एक सटन है, चावल प्रजार हो नहीं तो फिर इसको चला देते हैं, चला दिया जाता है, चावल सटन है, एक में इसके ऊपर से चिकन, इसके ऊपर से चिकन लगाया जाएगा, फिर इसके ऊपर चावल,
जी उसका जो मसाला है उसमें डाला जाएगा। चढ़ा दिया गया दोस्तों, इसे अपन ले लो। ये ऊपर से गया चिकन नहीं? जैसा कि दोस्तों इधर बिरयानी तैयार क्या हो रहा है, इधर फिर पानी रख दिया गया है चावल बनने के लिए। ऐसा काम सिलसिला जोर शोरों से चल। जी जी एकदम खत्म ना हो, लेकिन फिर भी एक चांस खत्म हो चुका है। अभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से एक चांस खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद खत्म नहीं होगा, इसलिए वो रेडी हो जा रहा है स्टॉक। ये एक और स्टॉक हो जाएगा, और स्टॉक अभी खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। कभी कभी लगातार ज्यादा भीड़ होने की वजह से 10 मिनट 15 मिनट के लिए होल्ड हो जाता है जी, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा। होल्ड होता है 10 मिनट के, 10 मिनट को बैठने के लिए बोला जाता है। अभी लोग बैठे हुए हैं, अभी लोग बैठे हुए हैं, 10 मिनट में ये तैयार। फिर ऊपर से गया चावल, अब चावल को बराबर कर दिया। फिर चावल के ऊपर से जा रहा है चिकन का ग्रेवी। बहुत सही से टेस्ट होने वाला है दोस्तों। ये स्टाइल नहीं हैदराबादी है, नहीं मुरादाबादी, नहीं कोलकाता बिरयानी, ये अपना स्टाइल है ना। ये अपना भी है, लेकिन कुछ मिलाकर किया जाता है हैदराबादी के डिजाइन पे। लेकिन बात किया जाए सबसे हट का ये टेस्ट, कुछ अपना स्पेशल होता है और कुछ हैदराबादी मिला के होता है, हैदराबादी डिजाइन हो जाए, कुछ अपना कुछ हैदराबादी डिजाइन हो जाए। तो अभी गया दोस्तों ऊपर से थोड़ा सा चावल, फिर डाले सर जी हरा मिर्च। अब ये क्या डाल रहे हैं, ये क्या डाल रहे हैं? ये चंपाइरा। अच्छा चंपाइरा। फिर ऊपर से जा रहा है रिफाइन, चावल पकड़े ले। अब यहाँ पे गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता को काटा जाए। जी काट कर ही डाला जाता है, जैसे ही पतला रहेगा अच्छा लगेगा, मुंह के अंदर टेस्ट खराब ना हो, ये इसको बुरा कर दिया जाता है। और ऊपर से ब्राउन प्याज को डाला जा रहा है। भुजा हुआ प्याज। क्या भुजा हुआ प्याज? वही भुजा हुआ प्याज। ये प्याज भी भूजने में तेल बहुत सोखता है। हाँ, बहुत ज्यादा रिफाइन खाता है। अगर मान के चलिए 20 किलो प्याज है तो 5 लीटर रिफाइन खा आराम से लग जाता है। अब ऊपर से गया धनिया पत्ता। फिर उसके ऊपर से डाल दिए रिफाइन। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए, अब चिकन फ्राई होने के लिए जा रहा है, और यही चिकन फ्राई 30 रुपये प्रति पीस बिकता है, जो आदमी जोरों शोरों से लेके खाते हैं, और बहुत ही लजीज टेस्ट होता है ये चिकन फ्राई का। तो जैसा कि दोस्तों देख लीजिए पूरा कलर आ चुका है, और बहुत ही सही सा दिखता है ये चिकन फ्राई, खाने में पूरा क्रंचनेस होता है ना, पूरा आप ही बनाते हैं, आप ही पे नाज है नहीं। तो खाली दोस्तों जो चिकन को डाला गया था खाली फ्राई हो चुका है, उसको निकाला गया। देख लीजिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, और ये खाइए तो पूरा टेस्टी सा लगेगा, बहुत ही मस्त है। अगर आप लोग गोपालगंज से जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर आके ट्राई कीजिए। तो खाली दोस्तों हमारा चिकन बिरयानी आ चुका है, चिकन बिरयानी के साथ हम लिए हुए हैं एक पीस चिकन लेग फ्राई, जो आप लोग को ये साइज देख लीजिए, ये साइज मात्र 30 रुपीज को पड़ने वाला है। अगर आपको 30 रुपये देते हैं तो ये साइज आपको तो मिलने वाला है, और साथ में अगर फुल चिकन बिरयानी लेते हैं तो 2 पीस चिकन रहेगा और बिरयानी रहेगा। बात किया जाए पूरा सजा वजा के दिया जाता है, और आप चाहते हैं चिकन का ग्रेवी भी लेने के लिए तो इसके ऊपर से चिकन का ग्रेवी भी ले सकते हैं, ग्रेवी का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। चलिए सबसे पहले हम बिरयानी को ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बिरयानी थोड़ा सा हम लेते हैं चिकन, काफी गरम है और गरम गरम दिया जाता है। टेस्ट का बात किया जाए तो टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, मजा आ गया था। थोड़ा सा अब हम लेते हैं चिकन फ्राई में से, जो अभी तुरंत फ्राई हुआ है,
और ये देख लीजिए लेग पीस है और बहुत सही सा लगने वाला है आपको। एक बाइक एकदम गर्मा गर्म आप लोग को मिलने वाला है। आइए आइए खा के तो मजा आ गया। और एक चीज का नाम भूलिएगा, अगर आपको यहाँ पे आना है तो फाइल लेना नहीं भूलिए, मात्र 30 रुपया में आप लोगों को चिकन फाइल मिलने वाला है। बिल्कुल सही। चलिए सारा चीज को खत्म करते हैं, कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को बने रहिए।